बाबा हम बच्चों को कहती हैं बच्चे बहुत प्यार से मुरली सुननी है और मुरली सुनानी है तो प्यार से मुरली कैसे सुन सकती है मुरली सुनते प्यार का अनुभव कब हो सकता है और फिर इतना ही प्यार से किसी को सुनाना प्यार से कैसे सुन सकती मैं बाबा से सुन रही हूँ कौन सुनाता है किसको सुनाता है जब दिल का निश्चय होता है कि ये मेरा है और मैं उनकी हूं तो जिनसे प्यार होता है उनकी सारी बातें प्यारी लगती हैं मुरली में हमारा रस तब बैठेगा जब हमें हर समय ये याद रहे कि ये सर्वशक्तिवान बाबा ये मेरा बाबा मुझे सुना रहा है और इसमें जो कुछ सुना रहा है वो सारा मेरे लिए है पहले तो मैं सुनू सुन करके मैं बाबा की बातों को समझू समझ करके उसको धारण करूं धारण करके उसका अनुभव करो, अनुभव करके अनुभव की ऑथोरिटी बनू जब मुझे एक एक बात में निश्चय होगा तो मैं दूसरे को धक् से समझाऊंगी